हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमम क्लास। आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लैटिस फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम एक क्यूब ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक क्यूब ड्रॉ की। एटम्स जो हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये जो है वो हमने लिया एक्स एक्सिस, इसे हम ले रहे हैं वाई एक्सिस, और ये क्या होगा जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो, सिंपल क्यूबिक की प्रॉपर्टी हम फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। जो एज लेंथ होती है ए बी सी, वो क्या होगी इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनते हैं अल्फा बीटा गामा, वो किसके इक्वल होते हैं 90 के। ए बी सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स को, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये यहाँ पे सेंटर है ओरिजन, तो इसका मतलब ये बी और ये सी, जब आप इसकी साइड देखोगे तो तीनों साइड जो है वो क्या होंगी ए ए के इक्वल आएंगी, तीनों साइड इक्वल होंगी क्योंकि ये इसकी कंडीशन है। अब देखो, जब आप यहां तक इसकी लेंथ देखते हो तो ये वाली लेंथ क्या कहलाएगी, ए यूनिट वेक्टर, ए आई यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस के अलोंग हम यूज करते हैं आई यूनिट वेक्टर। जब हम यहां पे इसके अलोंग देख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी ए जे यूनिट वेक्टर, और इसके अलोंग क्या आ जाएगा ए के यूनिट वेक्टर। ए ए लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों की सेम है। एक्स एक्सिस के अलोंग आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई के अलोंग हम जे यूज करते हैं, और जेड के अलोंग क्या होता है के होता है। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी परिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर वेक्टर्स ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ए वेक्टर किसके अलोंग है ए आई यूनिट वेक्टर, बी जो है वो क्या है ए जे, एंड सी क्या है ए के यूनिट वेक्टर, ठीक है, आई जे के जो है वो क्या है यूनिट वेक्टर। अब हमें क्या करना है, इसकी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है। तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। वॉल्यूम से पहले देखो, हम एक और स्टेप कर लेते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं लेट ए स्टार वेक्टर बी स्टार वेक्टर एंड सी स्टार वेक्टर बी परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। तो ए स्टार जो है वो किसके इक्वल होगा 2π बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये प्रीवियस वीडियो में हमने निकाला था, ये वैल्यू किस तरीके से आती है, यहाँ आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। बी स्टार जो है वो किसके इक्वल आएगा 2π सी क्रॉस ए, वॉल्यूम नीचे सेम रहेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये सेकंड इक्वेशन। और सी के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको हम इक्वेशन ले लेंगे 3। ए के केस में हमने यहाँ ए छोड़ दिया है, बी सी लिया है, नीचे तीनों चलेगा। बी के केस में हमने बी छोड़ दिया, सी ए चल रहा है, नीचे सेम है। सी के केस में हमने सी को छोड़ दिया, नीचे वॉल्यूम तीनों की सेम है। ये वैसे हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कैसे होगा। अब देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हमने क्या लिया था बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू क्या थी ए जे यूनिट वेक्टर क्रॉस ए के यूनिट वेक्टर। यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या चलेगा जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है आई के इक्वल, तो इसका मतलब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके इक्वल आ गया है ए आई यूनिट वेक्टर के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है ए आई यूनिट वेक्टर, ए के लिए हम ये यूज करेंगे, और बी क्रॉस सी के लिए वैल्यू क्या आई है हमारे पास ए आई यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, देखो मल्टीप्लाई में है ये, तो ए डॉट ए स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ गया ए क्यूब, आई डॉट क्या आ गया जे, आई डॉट आई, आई डॉट आई जो है वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास वॉल्यूम जो है वो क्या आ गई ए क्यूब। अब ये दोनों वैल्यूज हमें कहाँ पुट कर देनी है, फर्स्ट इक्वेशन में।
फर्स्ट इक्वेशन ए वेक्टर की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या थी, 2π बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, तो यहाँ आ जाएगा 2π। अब बी क्रॉस सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर अपॉन इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास ए क्यूब, तो स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 2π अपॉन ए आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमारा आ गया ए वेक्टर के लिए। सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, बी वेक्टर के लिए हमें करना है। अब बी वेक्टर के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या थी, सी क्रॉस आई ए, तो ये हमें निकालना है। C की वैल्यू क्या थी हमारे पास, A और K यूनिट वेक्टर, और A के लिए वैल्यू क्या थी, ए आई यूनिट वेक्टर, तो ए स्क्वायर K क्रॉस I जब हम निकालेंगे वो वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, J के इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वॉल्यूम जो है वो तीनों केसेस के लिए सेम चलेगा। अब हमें बी क्रॉस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ फॉर्मूला इसी तरीके से यूज करेंगे, 2π, यहाँ क्या था सी क्रॉस ए, इसकी जगह आ जाएगा ए स्क्वायर जे वेक्टर, और इसकी जगह क्या आएगा ए क्यूब, तो यहाँ पे स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, 2π अपॉन ए जे यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हमें करना है थर्ड कंडीशन के लिए, देखो थर्ड के लिए सी वेक्टर के लिए है, तो यहाँ हमारे पास क्या था ए क्रॉस बी, ए के लिए हम यूज़ करते हैं ए आई यूनिट वेक्टर, बी के लिए होगा ए जे वेक्टर, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर के वेक्टर, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के इक्वल। अब हमें सी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2π ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की जगह क्या आ जाएगा ए स्क्वायर के वेक्टर, और वॉल्यूम की जगह क्या आएगा ए क्यूब, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2π अपॉन ए के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस आ गई है फॉर अ सिंपल क्यूबिक लैटिस, जिसमें 2π अपॉन ए जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।